चार घंटे में पूरी की 10 किलोमीटर की निशान यात्रा, कुलदेवी लांबी माता के चढ़ाई भक्तों ने निशान, उबली का बालाजी धाम से केट शक्ति धाम तक यात्रा, झुंझुनू के अलावा बिभानी, कोलकाता और मुंबई से आए भक्त। केडिया परिवार की कुलदेवी है लांबी माता, प्रवीण केडिया कोलकाता समेत अन्य प्रवासी रहे मौजूद। झुंझुनू के केट शक्ति धाम में स्थित केडिया परिवार की कुलदेवी लांबी माता के प्रवासी और स्थानीय श्रद्धालुओं ने निशान चढ़ाए। इससे पहले उबली का बालाजी मंदिर में निशानों की पूजा अर्चना की गई। इसके बाद पीले, केसरिया और लाल निशान लेकर श्रद्धालु पैदल डीजे के साथ केट शक्ति धाम के लिए रवाना हुए। कोलकाता प्रवासी भक्त प्रवीण केडिया ने बताया कि यह दूसरी निशान यात्रा आयोजित की गई है। पहली निशान यात्रा झुंझुनू से केट शक्ति धाम तक गई थी। इस बार उबली का बालाजी से केट शक्ति धाम के लिए पैदल यात्रा निकाली गई, जिसमें 50 से अधिक भक्त हाथों में निशान लेकर केट पहुंचे। इसमें बिभानी, कोलकाता, झुंझुनू व मुंबई से आए भक्त शामिल हुए। सभी ने लांबी माता के अलावा केट शक्ति धाम में स्थित तुरंत बालाजी मंदिर, श्री श्याम और अन्य देवी देवताओं को भी निशान चढ़ाए। उन्होंने बताया कि निशान अर्पित करने के बाद लांबी माता मंदिर में ही कीर्तन हुआ और प्रसादी का आयोजन किया गया। इस मौके पर कोलकाता से प्रवीण केडिया के अलावा श्याम सुंदर, सतीश नवल, बिभानी से नथुराम, झुंझुनू से दीपक, ममता व इंद्र केडिया आदि मौजूद थे। उबली का बालाजी से केट की 10 किलोमीटर की दूरी भक्तों ने पैदल चलते हुए निशानों के साथ करीब 4 घंटे में पूरी की। इस दौरान कई जगहों पर निशान पदयात्रियों का स्वागत हुआ। ये सिर्फ माँ कुलदेवी, हमारी कुलदेवी लांबी माता का निशान यात्रा है। गत वर्ष भी हम लोगों ने ये लांबी माता की निशान यात्रा उठाई थी झुंझुनू से। माता की प्रेरणा से इस बार हम लोगों ने बालाजी धाम, बालाजी उली वाले बालाजी मंदिर से उठा रहे हैं और लांबी माता मंदिर धाम में जाएंगे, वहाँ पर ये निशान चढ़ाएंगे। हम लोग अभी तकरीबन यहाँ पर 40 से 45 आदमी हैं, कलकत्ता से जुड़े हैं, झुंझुनू से है, भिवानी से है, बम्बई से हैं, लेकिन माता के चरणों में समर्पित हूँ। जिस दिन से ये मंदिर बना है उस दिन से ही मैं माता के साथ जुड़ा हूँ। माता ने मुझे अपने शरण में लिया है। पदयात्रा है, इसके बाद हम लोग का प्राण प्रतिष्ठा समारोह होता है,